अनुवर्ती स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। हम पिछली क्लास में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या कर ली थी, प्रश्नावली 1.2 को हल कर ली थी। आज हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के अंदर। तो उस प्रश्नावली को करने से पहले उसमें हमें करना क्या है उसको समझते हैं। तो 1.3 के अंदर क्या है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है, और हमें क्या करना है, उन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार को समझना है। ठीक है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये मान लो प्रमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होती है ये भी। तो अगर हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करने की कोशिश करें तो वो कैसे निकालते हैं, भाग लगाकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बटेगा, 10 में 3 का भाग लगाना है, 7 में 8 का भाग लगाना है, 1 में 7 का भाग लगाना है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर भाग ही लगाना है। जैसे हम 10/3, अगर हम इसका दशमलव प्रसार में लिखें तो कैसे लिखेंगे, भाग लगा के हम देखेंगे कैसे। 10 में हमें भाग लगाना है 3 का। तो सबसे पहले देखो 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9, 300 के 12 अधिक हो जाएगा, तो 3 बार लिखेगा भाग, इसको घटाना है। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ये एक शेष पल है। अब आगे पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, इससे आगे भाग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक के आगे एक जीरो लगाते हैं। और यहाँ पर जब जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, इस 3 के आगे क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। वापस देखो 10 में 3 का भाग लगाने पर कितना आ जाएगा, 3 3 9, कितनी बार, 3 बार जाएगा। फिर घटाएंगे कितना आएगा, एक। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पुनः जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फिर हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। फिर एक बचेगा, फिर हम जीरो लगाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी, इसके अंदर आगे चलती रहेगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 बराबर क्या होगा, 3.3333, ये इस प्रकार आगे चलता रहेगा। फिर आगे हम बात करते हैं 7/8, यानी 7 के अंदर हमें भाग लगाना है 8 का। तो अब देखो 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे हमने जीरो लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, आगे कुछ नहीं, हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। तो अब हमें भाग लगाना है 70 के अंदर 8 का। तो 8 2 अंटे 64 और 8 9 72, तो 8 बार भाग जा रहा है, 8 2 अंटे 64, घटाने पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 6 मिलेगा। पुनः जीरो लगाएंगे तो 8 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 7 54, 7 बार जाएगा, 56। फिर देखो घटाओ वापिस कितना आ जाएगा, 4। फिर क्या लगेगा यहाँ पर, एक जीरो लगेगा। तो वापिस बाहर लगाओ 8 का 40 के अंदर कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 5 कितना हो जाएगा, 40। घटाने पर कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, 7/8 का दशमलव प्रसार। हम 7/8 को दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0.875, इतना ही होगा। शेषफल जीरो मिल गया, आगे कोई भाग लगाने वाला काम नहीं होगा। आगे देखते हैं 1/7, यानी 1 में 7 का भाग लगाना है, 1 के अंदर हमें भाग लगाना है 7 का। तो 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं, हम जीरो लगाएंगे फिर भाग लगाएंगे, तो 7 एकम 7। और जब हमने जीरो लगाया, जब हमने क्या किया, जीरो लगाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। अब भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा 7 एकम 7, फिर कितना आ जाएगा, 3। 10 में से 7 घटाने पर 3, और आगे क्या लगाएंगे, जीरो। फिर भाग लगाओ 7 चौक 28, घटाने पर 2 मिलेगा शेषफल, आगे क्या लगाएंगे, जीरो। फिर भाग लगाते हैं 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 मिलेगा। फिर हम क्या लगाएंगे, वापस जीरो लगाएंगे, तो 7 57 49, 7 अंटे 56, तो 8 बार जाएगा, 7 अंटे 56। फिर घटाएंगे, 60 में 56 घटाने पर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर जीरो लगाएंगे तो भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 7 5 35, 5 बार गया भाग, घटाओ वापिस, घटाने पर कितना मिलेगा, 5। फिर जीरो लगाएंगे, 7 7 49,
49, 7 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आने के बाद अब कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, कितनी बार, 1 बार, घटाएंगे कितना मिलेगा 3, फिर कितना आ जाएगा 0, 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28, तो फिर कितना मिलेगा शेषफल 2 मिले। इस प्रकार जब हम 1 में 7 का भाग लगाते हैं तो ये क्या मिलेगा, हमें उत्तर मिलेगा। तो अब देखो ये जितने भी हमने भाग लगाए हैं इनको देखो एक बार, जब हमने 10 में 3 का भाग लगाया तो ये संख्या मिली, 10 मूल्यों के बाद में जो संख्या हो रही है वह आगे हमें मिलती जा रही है ना, इसके बाद में ये संख्या आगे कभी नहीं रुकेगी, और 10 मूल्यों के बाद में जो संख्या मिल रही है वह क्या हो रही है, बार बार वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी ये जो पॉइंट के बाद में 3 है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये जो 3 है ये क्या हो रहा है, बार बार इसके अंदर रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार ये जो दूसरा सवाल है इसका 7/8, इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में जो संख्या है वह क्या हो रही है, आगे जाकर खत्म हो रही है ना, ये संख्या क्या नहीं हो रही, आगे इसकी तरह आगे नहीं बढ़ रही। तो ये जो संख्या है यह क्या हो रही है, 5 पर आके इसका जो भाग हो रहा है वह क्या हो रहा है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम 1 में 10 का, 1 में 7 का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पर 0.142857, फिर वापस क्या हो जाएगा, ये संख्या मिलनी शुरू हो जाएगी 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर वापस क्या होगा, ये संख्या आगे मिलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या वापस क्या होगी, रिपीट होगी, फिर हम और भाग लगाएंगे तो क्या होगी, और आगे मिलती जाएगी। तो वास्तविक संख्या है, जो प्रीमियर संख्या है, जब उनका हम इस प्रकार दशमलव रूप में लिखते हैं तो जब संख्या क्या हो जाती है, एक निश्चित पूरा पूरा भाग चला जाता है, जब हमें क्या मिल जाता है, शेषफल 0 मिल जाता है, पॉइंट के बाद में कभी ना कभी हमें क्या मिल जाए, शेषफल 0 मिल जाए। तो इस प्रकार का जो दशमलव होगा इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो रहा है, कभी ना कभी इसका क्या हो रहा है, भाग पूरा पूरा खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, शांत है, ठीक है। ये संख्या 5 पर आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पॉइंट के बाद में। ये जो संख्या है इस प्रकार, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, या फिर इसका एक नाम और है, अनवसानी आवृत्ति। ये क्या हो रही है, ये संख्या पॉइंट के बाद में आगे रुकेगी नहीं कभी, लेकिन क्या हो रही है, साथ में ये संख्या इस प्रकार आवृत्ति हो रही है ना, आवृत्ति का मतलब क्या, बार बार रिपीट होना, कि ये दशमलव के बाद में एक की संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसी प्रकार इसको भी हम क्या बोलेंगे, अशांत या फिर अनवसानी आवृत्ति प्रकार का क्या बोलेंगे, दशमलव बोलेंगे। तो इस प्रकार जो प्रीमियर संख्या होती है उसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो या तो हमें क्या मिलेगी, शांत मिलेगी, या फिर क्या मिलेगी, अशांत रूप में मिलेगी। तो ये हो गए दशमलव के प्रकार। अब देखो जो प्रीमियर संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर जो दशमलव संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियर संख्या के रूप में लिख। सवाल है हमारे पास, अगर हमें 0.3 बार ये संख्या दी है दशमलव के रूप में, हमें क्या करना है, इस संख्या को प्रीमियर रूप में लिखना है। प्रीमियर रूप का मतलब क्या हुआ, सवाल यह है कि 0.3 बार को प्रीमियर संख्या के रूप में लिखो, प्रीमियर रूप में लिखना है। तो देखो प्रीमियर रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमें संख्या दे रखी है वो क्या है, एक्स है, 0.3 बार। इस बार का मतलब क्या है, ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इस प्रकार अब देखो एक काम करो, ये जो बार है ये कितनी संख्या के ऊपर है, केवल एक संख्या के ऊपर है। हम क्या करेंगे, इसलिए ये जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा एक्स बराबर 10 से जब इसको गुणा करेंगे 0.3
0.33 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक संख्या आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 3.33 बन जाएगा, इस प्रकार ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है 10x। अब देखो ये मान लो समीकरण नंबर एक है, ये है समीकरण नंबर दो। तो अगर हम समीकरण नंबर दो में से समीकरण नंबर एक को घटाते हैं तो क्या होगा, LSS वाले पद LSS में घटेंगे और RSS वाले RSS के अंदर घट जाएंगे। तो समीकरण दो में क्या है, इधर 10x है, घटाना क्या है हमें केवल x, बराबर में क्या है 3.33 और घटाना क्या है हमें इसी प्रकार 0.33 को घटाना है। तो देखो पॉइंट के बाद में इधर देखो हमें घटाना है इस प्रकार कि पॉइंट के बाद में जो संख्या है वह क्या है एकदम समान है, तो पॉइंट वाली संख्या क्या हो जाएगी घटाने पर कट जाएगी, क्या बचेगा केवल जीरो में से तीन घटाना है, तीन में से जीरो घटाना है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, और 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x। अब क्या करो 9 को उधर ले जाओ तो 3/9 कितना आ जाएगा 1/3, तो x का मान कितना आएगा 1/3। ये जो रूप है ये इसका क्या होगा प्रमेय रूप होगा, हमने इसको प्रमेय रूप में लिख दिया। दशमलव संख्या को प्रमेय रूप में हम क्या करते हैं इस प्रकार हल कर लेते हैं, तो 0.3 बार का जो प्रमेय रूप होगा वह क्या होगा 1/3 होगा। इसी प्रकार और करते हैं आगे x वाले सा, हमें संख्या दे रखी है 1.27, इसे हमें क्या करना है प्रमेय रूप में लिखना है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या 27 ये क्या होगी इसके आगे चलती रहेगी इस प्रकार। तो हमने क्या किया, जिस संख्या को हमें प्रमेय रूप में लिखना है उसको हमने मान लिया अक्ष, माना हमने इस संख्या को मान लिया ये क्या है अक्ष है। अब देखो अभी की बार जो बार है वह कितनी संख्या के ऊपर है, दो संख्याओं के ऊपर है, दशमलव के बाद में तुरंत जो संख्या है उन दो संख्याओं के ऊपर क्या है लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो दो संख्या के ऊपर है इसलिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर सौ से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स 100 से गुणा होगा 100x बराबर 100 गुणा ये संख्या भी गुणा होगी 1.27 इस प्रकार ये संख्या भी क्या होगी 100 से गुणा होगी। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा दो संख्या आगे चला जाएगा, कहाँ आ जाएगा इस संख्या के आगे आ जाएगा, तो ये संख्या बनने जाएगी 127.27 ये संख्या बन जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 127.27 बार लिख सकते हैं। अब देखो ये किसका मान है 100x का मान है, यह है समीकरण नंबर एक, इसको हमने माना समीकरण नंबर कितनी है ये दो है, तो ऐसा ही काम इसमें करना है, समीकरण नंबर दो में से हमें क्या करना है एक को घटाना है, तो जब दो में से हम एक को घटाएंगे तो समीकरण दो में इधर क्या है 100x है, तो 100x इसमें से हमें घटाना है 100x में से हमें घटाना है समीकरण एक, एक में क्या है इधर x है केवल बराबर समीकरण दो में इधर क्या है 127.27 बार, इसमें से हमें घटाना है एक में दे रखा है 1.27 बार। अब देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या समान है तो ये घटकर क्या हो जाएगी कट जाएगी, और हमें घटाना क्या है 127 में से हमें घटाना होगा एक को, तो जब 127 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 126, 100x में से एक अक्ष घटाने पर कितना मिल जाएगा 99x मिलेगा, तो अक्ष बराबर कितना आएगा 126 बट्टे में कितना आएगा 99। ये जो गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाएगी भाग में चली जाएगी। अब देखो दोनों संख्या किससे कट रही है, तीन से कट रही है, तो तीन का भाग लगा दो दोनों में, जब 126 में तीन का भाग लगाएंगे कितना आएगा 42, 99 में भाग लगाने पर कितना आएगा 33। फिर देखो वापिस तीन का और भाग जा रहा है तो हम और काट देंगे, तीन का इसमें भाग लगाने पर कितना आएगा 14, फिर 14 तक कितना होगा 42, और 33 में लगाने पर 11 कितना होता है 33 होता है, तो अक्ष का मान कितना मिला हमें यहाँ से 14/11। यह क्या हो जाएगा संख्या 1.27 का क्या हो जाएगा
प्रमेय रूप हो जाएगा। हमने दशमलव संख्या को क्या कर दी, प्रमेय रूप में लिख दी। इसी प्रकार आगे एक सवाल और करते हैं। ऐसा ही संख्या हमें दे रखी है, जीरो पॉइंट दो तीन पांच। अब एक बार जो बार लगा हुआ है वह किसके ऊपर लगा हुआ है, तीन और पांच के ऊपर लगा हुआ है। हमें इसे करना है प्रमेय रूप में लिखना है। तो इस संख्या का मतलब क्या है उसको देखते हैं एक बार। इस संख्या का मतलब क्या है, जीरो पॉइंट दो, तीन और पांच के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि केवल जो 35 है ये क्या हो रहा है, बार बार इसके अंदर रिपीट होगा। इस प्रकार ये बात आई समझ में, बार केवल तीन और पांच के ऊपर लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। ये दो क्या नहीं होगा, आगे रिपीट नहीं होगा। इस संख्या को हमें क्या करना है, प्रमेय रूप में लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना जो हमें संख्या दे रखी है वो क्या है, एक्स है। 0.35 को हमने क्या माना, एक्स माना, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.35 ये लिख सकते हैं। अब देखो एक काम इसमें पहले ये करना पड़ेगा, हमने जो ये पिछले वाले दो सवाल किए इसमें क्या है कि पॉइंट के तुरंत बाद जो संख्या है उसके ऊपर ही क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट के तुरंत बाद की जो संख्या है उसके ऊपर बार नहीं लगा, उससे आगे वाली संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये करेंगे कि इस संख्या को पहले आगे लेके आएंगे, फिर हम आगे वाला ये काम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस दो को क्या करते हैं, पॉइंट से आगे ले लाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये समीकरण मान लो कितनी है, समीकरण नंबर एक है, तो हम समीकरण नंबर एक को क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक को 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x बराबर 10 गुणा 0.235 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ये बनेगा। तो 10x बराबर 10 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक संख्या आगे आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से आगे आएगा और क्या बचेगा, यहाँ पर 3.5 के ऊपर बार बचेगा। फिर 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस 2 के आगे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को आगे इन्हीं संख्याओं के रूप में क्या करना है, इसको हल करना है। पॉइंट के बाद में जो संख्या है, दो संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 100 से गुणा कर देंगे। ये मान लो समीकरण नंबर कितनी है, 2 है, तो समीकरण नंबर 2 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखो 100 गुणा 10x बराबर में 100 गुणा 2.35 बार है, इसको हम खोल देते हैं, 3535 ये संख्या होगी। जब इस संख्या को 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दो संख्या आगे आ जाएगा, तीन और पाँच के आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 100 से गुणा करने पर तो 3 और 5 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट, फिर आगे 3535 ये बनेगी संख्या। और 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1000x, ये बनेगा 1000x। अब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000x बराबर 235.35 के ऊपर बार, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 3 में से हम 2 को घटाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो बार वाली संख्या होती है उसको हटाना होता है, ठीक है, बार वाली संख्या उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से 2 को घटाएंगे। तो 3 में से जब 2 को घटाते हैं, समीकरण 3 माइनस 2 ये काम करना है। तो 3 में देखो इधर क्या है, 1000x घटाना क्या है, 2 में जो इधर है 10x बराबर, समीकरण 3 में इधर क्या है, 235.35 के ऊपर बार, और समीकरण 2 में क्या है इधर, 2.35 के ऊपर बार। तो पॉइंट के बाद में जो संख्या है वह समान है, तो वह कटकर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हमें घटाना क्या है, 235 में से 2, तो 235 में से 2 घटाने पर कितना मिलता है, 233, ये हो जाएगा 233। और 1000 में से 10 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 990x। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा, 233 बट्टा 990
90, फिर गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर क्या आ जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो इस प्रकार जो अक्ष है उसका मान कितना मिलेगा, 233/990। तो यह क्या होगा, इस संख्या का क्या हो जाएगा, प्रमेय रूप हो जाएगा। यह आया समझ में सवाल। इसी प्रकार देखो इसमें हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है उसके अंदर एक दूसरा सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें उन संख्याओं को क्या करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, और ऐसी हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो एक सवाल उसमें से करते हैं, जैसे सवाल है 0.47, इसको हमें क्या करना है, प्रमेय रूप में लिखना है। तो प्रमेय रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अक्ष मान लेंगे। मान लिया अक्ष मानने के बाद में सबसे पहला काम क्या है कि पॉइंट के बाद में क्या होनी चाहिए, बार वाली संख्या होनी चाहिए। तो सीधा पॉइंट के बाद में इसमें बार वाली संख्या नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस चार को आगे लाएंगे। तो इस चार को आगे लाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1, 10 से 1 को गुणा करने पर, समीकरण 1 को गुणा करने पर एक्स गुणा 10 कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एक संख्या आगे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 4.7 के ऊपर क्या बचेगा, बार बचेगा, ये किसके बराबर है, 10x के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.7777, इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर क्या है, बार है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक 10 से क्या करेंगे, समीकरण को दोनों पक्षों में गुणा और करेंगे। तो 10 से क्या करते हैं, समीकरण जो 2 है 10 से 2 को गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या होगा, 10 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, अब की बार 100 बन जाएगा, यहाँ पर 10 से गुणा कर दिया इसको, बराबर में 10 गुणा 4.77 ये संख्या है। तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा, ये पॉइंट एक संख्या आगे आ जाएगा। तो 4.7 इसके बाद में क्या आ जाएगी, संख्या 7.7 आ जाएगी, और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100x, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 47.7 के ऊपर बार, 100x बराबर 47.7 के ऊपर बार। तो ये मान लो समीकरण नंबर 3 ये है, समीकरण 3 में से अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को घटाना है। 3 में से हम 2 को घटाएंगे, तो 3 में देखो इधर क्या है, 100x में से हमें घटाना है 10x बराबर, 3 में इधर क्या है, 47.7 के ऊपर बार, 2 में इधर क्या है, 4.7 के ऊपर बार। तो 100 में से 10 को घटाने पर कितना बचेगा, 90x बराबर, 47.7 में से जब 4.7 को घटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट वाली संख्या तो हट जाएगी पूरी की पूरी, 47 में से 4 को घटाने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 43। तो x बराबर कितना आएगा, 43 गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर भाग में, तो 43/90 ये क्या होगा, इस संख्या का क्या हो जाएगा, प्रमेय रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार हम जो दशमलव संख्या दी हुई होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रमेय रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो जो प्रश्नावली 1.3 है हमें क्या करना है, उसके अंदर ये सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार के सवाल क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं।